हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है अवनीत कौर और मैं फ्रिगस में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट वर्क कर रही हूँ। तो आज हम यहाँ पे आईटी सेल्स का सेशन स्टार्ट करेंगे कि आईटी सेल्स कैसे होती है, सेल्स क्या होती है, आईटी सेल्स में प्रोसेस क्या क्या रहते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम आईटी सेल्स करते हैं। तो वो हम आज वो सब इस सेशन में सीखेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाना। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप लोग मुझे बताना कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। ठीक आपको देख रहा था मेरी स्क्रीन, आप सभी को स्क्रीन दिख तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं आईटी सेल्स की। आईटी सेल्स तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, आईटी सेल्स। आप सभी को पता है ना आईटी क्या होता है? सभी को पता होगा कि आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लें तो अगर हम कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम उस चीज को ट्राई कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, कहाँ हमारा हमारी डिलीवरी कितनी देर में हो जाएगी। तो वो हमें किसके थ्रू मिल रही है? टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल रही है। आप सब लोग फेसबुक यूज करते होंगे, तो फेसबुक में अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे हैं, या आप लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म जो है अगर आप वो यूज कर रहे हैं, या आप किसी भी अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं या फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हो, तो आप किसके थ्रू कर रहे हो? टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर रहे हो ना। तो वो क्या है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम ये पढ़ेंगे इसमें कि हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सेल्स कैसे करते हैं, हम आईटी की सेल्स कैसे करते हैं। तो पहला हम लोग ये देख लेते हैं कि सेल्स होता क्या है। हमारा फर्स्ट वो क्या रहेगा? आईटी सेल्स तो बाद में आएगा, मगर हम पहले ये देखना चाहेंगे कि सेल्स होता क्या है। ठीक है, तो सेल्स क्या है? अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर इन विच द सेलर सेल गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट मनी। मतलब क्या है? हम पहले ये देखते हैं कि बायर क्या है और सेलर क्या है। बायर कौन होता है? जो उस गुड्स या सामान को जो खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉप पे जा रहे हो कोई सामान खरीदने, अगर आप अपने ही गांव में या सिटी में अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो कुछ सामान लेने, सामान कुछ भी हो सकता है, आपका डेली कुछ सामान हो सकता है, अगर आप कुछ खाने पीने का लेने जा रहे हो, तो वो आप क्या हो? उस शॉप के बायर हो, क्योंकि आप उस चीज को क्या करने जा रहे हो? आप उस चीज को खरीदने जा रहे हो। उस चीज को तो वो आप क्या हो? उस जगह पे बायर हो। और वो दुकानदार क्या है? क्योंकि वो सामान आपको बेच रहा है, तो वो क्या है? सेलर है। वो आपको सामान बेच रहा है और आप उस सामान को क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल्स। ठीक है, हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आप हम आईटी के उसमें एग्जांपल लेते हैं कि आईटी में हम ये बायर और सेलर का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्रिगस एक आईटी कंपनी है, ठीक है, और उसके क्लाइंट हैं, जैसे आप उसके क्लाइंट हैं, फ्रिगस के आप क्लाइंट हैं, और आपको क्या बनवाना है? आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना है या आपको वेबसाइट बनवाना है। ठीक है, तो आप फ्रिगस के क्या हुए? बायर
बायर हुए और फ्रिगस क्या हुआ, सेलर हुआ। कैसे? क्योंकि फ्रिगस क्या दे रहा है आपको, ऐप और वेबसाइट बनवा के दे रहा है, और आपको क्या चाहिए, उनकी सर्विसेज चाहिए। आपको क्या चाहिए, अपना ऐप और वेब बना हुआ चाहिए, और फ्रिगस आपको वो बना के दे रहा है। मतलब फ्रिगस सेलर है और आप क्या है, फ्रिगस के बायर। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्स। ठीक है, आप सबको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको सेल्स की डेफिनेशन एज अ आईटी समझ में आई है कि नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि आपको ये चीज क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं, जिसको नहीं समझ में आया उसे भी आ जाएगा। देखो, किसी भी बायर और सेलर, बायर मतलब जो किसी भी प्रोडक्ट और गुड्स को जो खरीद रहा है उसे हम कहते हैं बायर। जैसे आप किसी शॉप पे जाके कुछ भी सामान, कुछ भी प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हैं तो आप उसके क्या है, बायर। और वो जो दुकानदार है जो आपको सामान बेच रहा है वो आपका क्या है, सेलर है। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जहां दो लोग, एक जो बंदा खरीद रहा है और एक जो बेच रहा है, हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्स। ठीक है, ऐसे ही आईटी में ही होता है। अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट जो डेवलप करती है, जो बनाती है, उसके पास भी क्लाइंट्स होते होंगे ना। अगर आपको फॉर एग्जांपल, आप में से किसी को अपनी खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको उस बिजनेस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन क्या हो गया, अमेजन, सबको पता है ना, अमेजन फ्लिपकार्ट सबको पता है, सब यूज करते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट। अगर आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऐप बनवाना है तो आप किसके पास, आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाओगे कि हमें अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसा ऐप बनवाना है। तो वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी वो आपको क्या देगी, सर्विसेज, वो चीज बना के देगी आपको कि ये लो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसा ऐप। तो आप उसके क्या हो गए, कस्टमर हो गए, आप क्या हो गए, बायर। और फ्रिगस क्या हो गई, आपकी सेलर, क्योंकि वो आपको ऐसा ऐप बना के दे रही है। ठीक है, आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अपन एट द लास्ट ये चीज हम पूरा डिस्कस करेंगे, एट द लास्ट ऑफ द सेशन हम आपके सारे कमेंट्स का आंसर देंगे। ठीक है, फिर हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, बी टू बी सेल्स। बी टू बी सेल्स मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। हम इसमें बहुत नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं अपना रूटीन डे टू डे लाइफ में। ठीक है, अब कोई कोका कोला सबको पता होगा, सब पीते हैं कोका कोला। तो अगर हम कोका कोला कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, कोका कोला एक कंपनी है, वो अपना जो कोका कोला की बॉटल है, प्रोडक्ट है उनका, वो नॉर्मल शॉप्स पे भी देती है। आपको नॉर्मल शॉप्स पे कोका कोला की बॉटल्स मिलती हैं, तो वो कोका कोला भी एक कंपनी हो गई, और नॉर्मल जो शॉप जिससे आप ले रहे हो वो भी क्या हो गया, एक बिजनेस ही है ना। तो कोका कोला कंपनी भी किसको दे रही है प्रोडक्ट, अब एक बिजनेस को दे रही है, तो वो क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। ठीक है, नॉर्मल अगर हम लोगों का एग्जांपल लेके चलें, अगर कोई कोका कोला कोई भी कंपनी है, हम कोका कोला का एग्जांपल लेके चलते हैं, और आप लोगों की कोई शॉप है, किराना शॉप है या कुछ भी शॉप है, तो आप उस कोका कोला कंपनी से वो बॉटल्स प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, मगर आप भी तो किसी को बेच रहे हो ना। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। आप कोका कोला कंपनी से अपने बिजनेस के लिए सामान ले रहे हो, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। ठीक है, अब हम इसमें एक आईटी का एग्जांपल भी ले सकते हैं आपकी उसके लिए, कि आईटी में कैसे होता है, बी टू बी सेल्स आईटी में कैसा होता है। ठीक है, जैसे एक आईटी कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बनाती है, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट, तो सबको पता होगा कि क्या होता है, और अगर आपको इस चीज में भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले वो देखते हैं आईटी में कैसा होता है, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स को हम देखते हैं कि आईटी में, मतलब ये जो ऐप और वेब बनाते हैं उस कंपनी में बिजनेस टू बिजनेस सेल्स कैसे होता है। तो हम इसमें आईटी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और कोई नॉर्मल कंपनी हम आपकी कंपनी लेके देखते हैं, आप किसी भी कंपनी के ऑनर हो, आपकी खुद की कंपनी है। ठीक है, आपको अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना है, मतलब एचआर सिस्टम भी बनाना है, जिसमें आपकी कंपनी की सारी चीजें मैनेज हो जाए। ठीक है, मैनेज होने के लिए बहुत चीजें रहती हैं, आपकी सैलरी रहती है, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी, इंसेंटिव्स, और बहुत सारी चीजें रहती हैं एक कंपनी को मैनेज करने के लिए। आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, आपकी कंपनी का पीएफ, वो सब मैनेज करने के लिए एक ऐप तो चाहिए ना। तो अगर आप अपनी खुद की कंपनी के लिए ऐप बनवा रहे हो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से, तो ये क्या हो जाएगा, आप बी टू बी सेल्स। ठीक है, आपको इजी उसमें समझाती हूँ कि आप अपना खुद का एग्जांपल लेके देखिए, आप किसी और का वो मत लीजिए, आपकी खुद की कंपनी है, आप खुद की कंपनी के लिए
अगर कोई सिस्टम बनवाना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो भी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से, तो वो क्या हो जाएगा, बी टू बी सेल्स। ठीक है, आप सबको क्लियर है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं बी टू बी सेल्स के, हम देखते हैं कि समझ में आया है कि नहीं। बी टू बी सेल्स के एग्जांपल्स आप मतलब कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ सेल्स कर रहा है। ठीक है, हम एक नॉर्मल और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसका, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बी टू बी सेल्स तो हो गया, अब हम जाते हैं बी टू सी सेल्स में। बी टू सी सेल्स तो बहुत इजी है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, एक बिजनेस डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट। हम नॉर्मल शॉप का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी किसी की शॉप है, आपका अपना बिजनेस है, या फिर आप किसी शॉप पे कुछ सामान लेने जाते हो, तो वो बिजनेस टू डायरेक्ट, मतलब आपको बिजनेस डायरेक्ट वो दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी किराना शॉप पे कुछ सामान लेने गए तो वो क्या होगा, बी टू बी, मतलब एक बिजनेस डायरेक्ट कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब बीच में कोई भी नहीं है, बिजनेस टू डायरेक्ट कंज्यूमर हो रहा है। आप किराना शॉप में कुछ कोल्ड ड्रिंक का सामान, कोल्ड ड्रिंक लेने गए, अगर आपका कुछ घर का सामान लेने गए तो वो क्या हो गया, बी टू बी सेल्स हो गया। ठीक है, बी टू सी सेल्स सबको क्लियर है, बी टू सी का तो एग्जाम्पल दे सकते हो आप कमेंट सेक्शन में कि क्या रहेगा, बी टू सी सेल्स क्या होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि बी टू सी सेल्स क्या होती है। हाँ, मतलब मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए हैं तो बहुत क्लियर है आपको, बी टू सी सेल्स भी आपको क्लियर ही है कि बी टू सी सेल्स क्या होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं ऑनलाइन सेल्स में। ऑनलाइन सेल्स में तो आपको मतलब सोच के समझ में आ रहा होगा कि ऑनलाइन सेल्स क्या होती है, ऑनलाइन तो वर्ड से ही समझ आता है कि ऑनलाइन सेल्स होती क्या है, तो हम एक थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि क्या है। किसी भी ऑनलाइन सेल्स क्या होती है, किसी भी सामने कस्टमर क्लाइंट से बिना मिले जब हम कोई सेल कर लेते हैं वो क्या होती है, ऑनलाइन सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ऑनलाइन सेल्स बहुत तरीकों से होती है, जैसे हम कॉलिंग के थ्रू अगर किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हैं तो वो क्या होती है, हमारे पास भी दिन में बैंक्स के कितने कॉल आते हैं कि मैडम क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो वो क्या होती है, ऑनलाइन सेल होती है। सबके पास आते हैं ना बैंक से कॉल कि मैम क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, सर डेबिट कार्ड बनवा लीजिए, ये कर लीजिए, तो वो क्या होती है, ऑनलाइन सेल्स है, मतलब बिना मिले वो हमसे सेल कर रहे हैं, तो वो क्या है, ऑनलाइन सेल है। आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा, ऑनलाइन सेल कॉलिंग के थ्रू नहीं होती है, बहुत तरीके हैं इसके। जैसे एक तो कॉलिंग हो गया कि कॉलिंग के थ्रू हम सेल्स कर सकते हैं, और आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक, फेसबुक तो आप सबको पता होगा कि फेसबुक कैसे यूज होता है, फेसबुक किस उसमें यूज होता है, तो हम फेसबुक के थ्रू भी सेल्स कर सकते हैं। जैसे मैं एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव अगर फिगर्स में काम कर रही हूँ तो हम लोगों की जितनी भी सेल रहती है सब ऑनलाइन रहती है। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल करते हैं, जैसे फेसबुक, फेसबुक तो आप सबको चलाना आता है, तो फेसबुक के थ्रू भी सेल्स होती है, वहां भी क्लाइंट्स मिलते हैं। ठीक है, एक लिंक्डइन, किस किस ने सुना है लिंक्डइन का, सबको पता है कि लिंक्डइन क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि लिंक्डइन किस किस को पता है कि लिंक्डइन क्या होता है और क्या यूज है लिंक्डइन का। ठीक है, लिंक्डइन हम एक अलग से टॉपिक रहेगा हमारा पूरा लिंक्डइन का, जिसमें मैं पूरा आपको बताऊंगी कि लिंक्डइन क्या होता है, लिंक्डइन में प्रोफाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक्डइन के क्या क्या यूजर्स हैं, तो मैं पूरा वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है,
ठीक है, तो उसका हम पूरा एक सेशन लेंगे, इसमें मैं पूरा आपको ये बताऊंगी कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपको लिंक्डइन आपको यूज कैसे करना है, और आप आईटी फील्ड में लिंक्डइन को कैसे यूज करेंगे, तो हम वो पूरा एक सेशन लेंगे जिसमें आपको पूरा क्लियर मैं करूंगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ऑनलाइन सेल्स के और क्या क्या प्लेटफॉर्म रहेंगे। एक तो रहेगा कॉलिंग, कॉलिंग के थ्रू हम ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रहेगा फेसबुक, फेसबुक के थ्रू भी हम आईटी में सेल्स कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि फेसबुक के थ्रू भी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा क्या रहेगा, रहेगा लिंक्डइन, लिंक्डइन के थ्रू भी हम सेल्स करते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यूट्यूब, मतलब बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम मेल के थ्रू भी ऑनलाइन सेल्स करते हैं, क्योंकि आजकल ऑफलाइन की ऑफलाइन बहुत कम होता है आजकल, जितना भी होता है आईटी में तो पूरा ऑनलाइन सेल्स ही होता है, क्योंकि एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट अगर मैं काम कर रही हूँ तो आईटी में जितना भी सेल है सब ऑनलाइन है, हम लोग लिंक्डइन, फेसबुक, मेल के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू ही सेल्स होती है। ठीक है, तो आप सबको क्लियर है कि ऑनलाइन सेल्स क्या होता है, एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, बताइए कि ऑनलाइन सेल्स क्या होता है, और तो मुझे थोड़ा क्लियर होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। हाँ, YouTube और Instagram के थ्रू भी होती है सेल्स, हम Instagram, YouTube, Reddit वगैरह, एक Reddit भी एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू भी सेल्स होती है, मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके थ्रू सेल्स होती ही है। मैं आपको सब ये बताऊंगी कि लिंक्डइन, फेसबुक के थ्रू हम कैसे क्लाइंट्स ढूंढते हैं, कैसे हम प्रोफाइल, सबसे पहले हमें लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, तो वो हम देखेंगे कि हम मैं आपको डेमो दूंगी कि आपको कैसे उसमें प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे दूसरे सेशन में कि हमें लिंक्डइन, फेसबुक पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, हमें कैसे क्लाइंट्स ढूंढने हैं उस पर, तो वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे वो अपना। ठीक है, तो एक होता है ऑनलाइन सेल्स और एक होता है ऑफलाइन सेल्स। ऑफलाइन, जब ऑनलाइन आपको मतलब क्लियर होगा कि बिना मिले किसी से सेल्स करना, वो होता है ऑनलाइन सेल्स। अब उसका अपोजिट है ऑफलाइन सेल्स, जब भी हम कोई सेल किसी बंदे से मिलके करते हैं, ठीक, वही नॉर्मल सिंपल एग्जाम्पल हो गया कि जब आप किसी शॉप पे जाके कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो क्या हो गया, ऑफलाइन सेल्स हो गया, सिंपल है ये तो। किसी भी प्रोडक्ट को किसी शॉप पे जाके खरीदना, फिजिकली किसी शॉप पे जाके वो प्रोडक्ट खरीदना, तो वो क्या हो गया, ऑनलाइन सेल्स हो गया। आपको डेली डे टू डे लाइफ में ऑफलाइन सेल्स तो देखते ही हो, आप खुद जाते हो, आपकी खुद की शॉप्स होंगी, आप अपने प्रोडक्ट्स बेचते हो, तो वो क्या हो गया, ऑफलाइन सेल्स हो गया। ठीक है, ये हो गया सेल्स, B2B सेल्स, B2C सेल्स, ऑनलाइन सेल्स और ऑफलाइन सेल्स। अब इसमें एक सेल्स और होती है, वो होता है B2B2C, आप सबको आ गया ना, B2B2C। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस और फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, अब इसमें मैं आपको देती हूँ आईटी का एग्जांपल कि आईटी में B2B2C सेल्स कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आपने, सबको पता होगा कि अमेजन क्या है, अमेजन का सबने ऐप यूज किया होगा ना, कि अमेजन क्या है, तो हम अमेजन का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपको आपकी एक कंपनी है जिसके आप फाउंडर और सीईओ हो, और आपको अपनी कंपनी के लिए, आप सभी को एक कंपनी, अपनी कंपनी के लिए एक अमेजन जैसा ऐप बनवाना है, ई कॉमर्स ऐप बनवाना है, अमेजन जैसा सेम ऐप बनवाना है, तो आप क्या करोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी को अप्रोच करोगे कि आपको वो ऐप बनाना है। ठीक है, मतलब आपको ऐप बनाना है, आप फ्रीगर्स के पास आओगे कि आपको ऐप बनवाना है अपनी कंपनी के लिए, वो भी किसकी तरह, आपको अमेजोन की तरह ऐप बनवाना है, तो आप आए फ्रीगर्स के पास और फ्रीगर्स ने आपको ऐप बना के दे दिया। ठीक है, अब आपका वो जो ऐप है वो कौन यूज कर रहा है, वो ऐप तो कस्टमर यूज कर रहा है ना, फ्रीगर्स एक बिजनेस है, आप एक बिजनेस हो, ये क्या हो गया, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, फ्रीगर्स भी बिजनेस है और आप भी बिजनेस हो, ये हो गया B2B, मगर आपका जो वो प्रोडक्ट है वो यूज कौन कर रहा है, कस्टमर यूज कर रहा है। ठीक है, तो B2B2C आया, अब आपको समझ में, एक बार और क्लियर करती हूँ कि आपको ऐप बनाना है अमेजोन जैसा, आप आए फ्रीगर्स के पास कि हमें ऐप बना के दो, फ्रीगर्स ने आपको ऐप बना के दिया, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, सबको पता है ना क्या होता है, वो अमेजन का ऐप होता है जो हम शॉपिंग्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट शॉपिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, वैसे आपको ऐप बनवाना है, आप आए फ्रीगर्स के पास,
कि हमें ऐप बनाना है और फ्रिगस ने आपको अमेजन जैसा ऐप बना के दिया, वो ऐप आपको दिया, और मगर वो जो आपका जो ऐप है वो यूज कौन कर रहा है? आपके फ्रेंड्स, आपके कस्टमर यूज कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? B2B2C, मतलब फ्रिगस एक बिजनेस है, आप एक बिजनेस हो, मगर आपका ऐप यूज कौन कर रहा है? कस्टमर। तो ये क्या होगा? B2B2C। ठीक है, आप सबको क्लियर है क्या? और अगर नहीं है क्लियर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो करके बताओ कि आपको क्लियर नहीं है B2B2C, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ आपको। क्लियर है आप सबको? ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स की डेफिनेशन हो गई कि सेल्स क्या होता है, टाइप्स हो गए कि क्या क्या सेल्स के टाइप होते हैं, किस किस तरह से हम सेल्स कर सकते हैं। अब क्या आएगा? थर्ड क्या होता है? सेल्स प्रोसेस, कि हमें सेल्स करेंगे कैसे। सेल्स तो पता जान लिया कि क्या होता है सेल्स, टाइप्स भी देख लिए कि हाँ हाँ इस ये टाइप्स होते हैं सेल्स के, मगर अब मेन प्रोसेस तो वही है ना कि हम सेल्स करेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे सेल्स को, प्रोसेस क्या है सेल्स की। ठीक है, तो सबसे पहला जो है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग हम बहुत सिंपल वे में लेते हैं। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है? हमारा पोटेंशियल क्लाइंट, मतलब वो क्लाइंट जो हमारे लिए, मतलब जिसको हमारा जो सर्विसेज है वो चाहिए। जैसे आप एक दुकान पे बैठे हो, आप कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, ठीक है, तो आप उस क्लाइंट को देखोगे जिसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उसी को आप देखोगे ना, वो आपका क्या होगा? एक पोटेंशियल कस्टमर होगा जिसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो आप उसको ढूंढोगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है? आपका पोटेंशियल क्लाइंट जिसको आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है, आपकी जो शॉप पे जो कोल्ड ड्रिंक है, वो खरीद सके, वो क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग। सेल्स का सबसे मेन जो है, सबसे पहला जो है वो है मेन कि आप अपने सही क्लाइंट्स को ढूंढो। ठीक है, और एक होता है, दो तरह के क्लाइंट होते हैं। एक होता है हॉट क्लाइंट। हॉट मतलब जिसको वो चीज चाहिए ही चाहिए, मतलब जो पहले से सोच के आए कि हाँ मुझे कोल्ड ड्रिंक खरीदना ही है। आपकी दुकान पर आया, उसने बोला कोल्ड ड्रिंक दे दो, ठीक है, उसको आपका हॉट क्लाइंट है कि हाँ उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। एक होता है कोल्ड क्लाइंट, वो क्या है? वो सोच के नहीं आया है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मगर आप उसको कन्वेंस ऐसा करोगे, आप उसे कन्वेंस करोगे कि हाँ, फायदे बताओगे कि हाँ आप ऐसा अगर कोल्ड ड्रिंक लोगे तो ये चीजों के बेनिफिट्स हैं इसमें। तो प्रोस्पेक्ट में भी आपके दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं, एक होता है हॉट और एक होता है कोल्ड। हॉट तो आसानी से मान जाएगा क्योंकि हाँ उसे वो चीज चाहिए, अगर उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो आपको उतना कन्वेंस नहीं करना पड़ेगा कि हाँ उसे वो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मगर वो आपका क्लाइंट है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट मतलब क्लाइंट, आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट है, आपको जिसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स जो है वो आपके हॉट भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं। हॉट जो आपको, जिसको वो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठीक है, और कोल्ड क्या होगा? जिसको अभी वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो कोई सोच के नहीं आपके पास आया है कि उसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें अगर आईटी का भी एग्जांपल लें तो हम आईटी के उसमें प्रोस्पेक्ट को ऐसा देखते हैं, एक क्लाइंट ऐसा होगा जिसको आपका आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप हो, आपको आईटी कंपनी से मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट आपको बनवाना है, और आपका एक फ्रेंड जो है उसको नहीं बनवाना है, तो आप उस जगह पे क्या हुए? हॉट क्लाइंट हुए ना मेरे लिए, तो फ्रिगस के लिए तो आप हॉट क्लाइंट हुए, और आपका फ्रेंड क्या हुआ? कोल्ड क्लाइंट हुआ, क्योंकि उसको नहीं बनवाना है। अगर आप क्लाइंट तो दोनों हुए ना फ्रिगस के लिए, फ्रिगस आपको तो चाहिए, अगर मगर आपके फ्रेंड को भी कन्विंस कर सकता है ना कि आप भी बनवा सकते हो, तो प्रोस्पेक्ट क्या हुआ? आपका क्लाइंट जिसको ऐप और वेब बनवाना है। तो आप एग्जाम्पल खुद से जोड़ के देख सकते हो ना, आप और आपके फ्रेंड के, क्योंकि आपके फ्रेंड को वो ऐप और वेब नहीं बनवाना है और आपको वो बनवाना है। तो सेल्स प्रोसेस की सबसे पहला काम यही है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढे, सबसे पहला कि हम किसको अप्रोच करेंगे, किस बंदे को हमें अप्रोच करना है, उसे हमारी सर्विसेज चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो कैसे हमें आगे बढ़ना है, अगर नहीं चाहिए तो हमें कैसे उसे कन्वेंस करना है।
तो ये क्या हो गया प्रोस्पेक्ट। तो आप सब मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको प्रोस्पेक्टिंग क्लियर है कि नहीं है, नहीं तो हम और एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर आप समझे इसमें तो, वैसे तो ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया, मगर एक बार हम फिर मैं क्लियर कर देती हूँ कि प्रोस्पेक्ट नॉर्मल ये है कि आपका कस्टमर जिसको आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, जिसको आपको अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचनी है, जैसे अगर आईटी में लूँ तो मुझे किसको अपनी सर्विसेज देनी है, ऐप और वेब डेवलपमेंट की अगर ट्रिगर सर्विसेज दे रहा है, तो अगर आपको ऐप बनवाना है और आपके फ्रेंड को नहीं बनवाना है, तो आप दोनों मेरे लिए क्या हुए, कस्टमर्स हुए, प्रोस्पेक्ट हुआ, आप दोनों मेरे लिए पोटेंशियल क्लाइंट्स हुए। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग तो सबको मेरे हिसाब से क्लियर है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, आपने क्लाइंट तो देख लिया कि हाँ मैंने फ्रिगर्स ने, जैसे मैं अपने ही लेके चलती हूँ, फ्रिगर्स ने तो क्लाइंट देख लिया कि एक जो बंदा है उसको ऐप बनवाना है और एक जो बंदा है उसको ऐप नहीं बनवाना है। ठीक है, तो हम इस चीज के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे, मुझे कैसे कन्विंस करना है जिसको ऐप नहीं बनवाना है, मुझे उसको कैसे, उसके लिए कैसे कन्विंस, मतलब उसको कैसे कन्विंस करना है, तो मैं प्रिपरेशन तो करूंगी ना कि मुझे उसे कैसे कन्विंस करना है कि वो मुझसे ऐप बनवा ले। और दूसरी साइड कौन है जिसको ऐप बनवाना है, जैसे आप हुए, आपके फ्रेंड को नहीं बनवाना है, तो उसके लिए मैं अलग प्रिपेयर करूंगी कि हाँ जब इसको नहीं बनवाना है तो मैं इसको कैसे कन्विंस करूं, मगर आपको तो बनवाना है, तो मैं आपके लिए अलग प्रिपरेशन करूंगी कि हाँ मैं इसको कैसे, इनके लिए कैसे मैं अप्रोच करने, कैसे मैं इनको अप्रोच करूं, क्या मैं, क्योंकि आपको तो बहुत लोग अप्रोच करेंगे और कंपनीज भी आपको अप्रोच करेगी ना, अगर आपको ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, तो आपको तो और कंपनीज भी अप्रोच करेंगी, मगर मुझे ऐसा तरीका ढूंढना है कि मैं आपको कैसे अप्रोच करूं, मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि मैं किस तरह से आपको अप्रोच करूं, और इसके लिए मुझे दो अप्रोच करनी, दो तैयारी करनी पड़ेगी, एक उसके लिए जिसके लिए, जिसको ऐप बनवाना है, जिसको जरूरत है, और एक उसके लिए जिसको नहीं बनवाना है मगर मुझे उसको भी कन्विंस करना है। तो सेल्स की सबसे मेन क्या है, कन्विंस करना, कन्वेंस तो मुझे दोनों को करना है मगर तरीके अलग अलग हैं, एक उसको कन्वेंस करना है जिसको आप बनवाना है और एक उसको जिसको नहीं बनवाना है। सेल्स में मेन यही है कि हमें कन्वेंस दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रिसर्च मेन क्या रहेगा इसमें, रिसर्च कि हम उसको कैसे वो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे, हम कैसे उसको बोलेंगे कि हाँ मुझसे कोल्ड ड्रिंक ले लो, अगर मेरी दुकान पे कोई बंदा आ रहा है तो मैं उसको कैसे बोलूंगा, कैसे कन्वेंस करूं कि हाँ ये कोल्ड ड्रिंक ले लो, इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे तो अगर हम लेके चले जिसको चाहिए तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा इजी है, अगर आपको ऐप बनवाना है तो मेरे लिए ऐप बहुत ज्यादा इजी हो कन्वेंस करना, एज कम्पेयर टू आपके फ्रेंड के लिए जिसको ऐप नहीं बनवाना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन हमारी हो गई कि मुझे कैसे अप्रोच करना है, कैसे मुझे किसको क्या बोलना है, मतलब जिसको बनवाना है उससे क्या बोलना है, और जिसको नहीं बनवाना है मुझे उससे क्या बोलना है, वो क्या है मेरी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया सेल्स प्रोसेस की हमारी दूसरी स्टेप है, पहला है प्रोस्पेक्ट, मेरा क्लाइंट कौन है, मुझे किसको अप्रोच करना है। ठीक है, और सेकंड है प्रिपरेशन कि मुझे उस क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, मुझे क्या रिसर्च करना है उस पर। ठीक है, और सेल्स प्रोसेस में सबसे मेन है एक तो कन्वेंस करना कि मुझे सामने लोगों को कैसे कन्वेंस करना है, सेकंड है रिसर्च, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे कैसे करना है वो चीज रिसर्च पे कि उस बंदे को क्या चाहिए और मुझे क्या उनको देना है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया प्रिपरेशन। थर्ड हमारा रहता है अप्रोच, अप्रोच, अब प्रिपरेशन हमारी हो गई, अब मैं उसको अप्रोच कैसे करूं, मेन यही रहेगा ना, मैं किसके थ्रू उसको अप्रोच करूं। हम इसमें भी आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं और आपके फ्रेंड का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो अगर मैं आपका एग्जाम्पल लूं, जैसे आपको ऐप बनवाना है, ठीक है, मेरे पास आपका नंबर है, मेल आईडी है और लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन अकाउंट भी मेरे पास है, मैं आपको ये आगे सब बताऊंगी कि आपको कैसे डिटेल में बनाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट बताती जा रही हूँ कि कैसे क्या होता है, आगे जाके आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी कि अप्रोच कैसे करते हैं, एक एक पॉइंटर समझाऊंगी मैं आपको कि अप्रोच हम करते कैसे हैं, प्रोसेस क्या रहती है, आपकी डिटेल्स मेरे पास कैसे आएगी, मैंने तो ना आपको मिली ना कभी कुछ, तो मेरी डिटेल, आपकी डिटेल मेरे पास कैसे आएगी, मैं कैसे आपको ढूंढूंगी कि हाँ मुझे इस बंदे को अप्रोच करना है, तो वो मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगी।
अभी हम नॉर्मल पॉइंटर्स लेके चलते हैं कि हाँ ये सब होता है प्रोसेस, आपके दिमाग में भी एक सेट हो जाए कि हाँ मैम ने ये बताया था कि हाँ ये प्रोसेस उसमें रहती है। तो हम थर्ड लेके चलते हैं अप्रोच, कि हम अब मेरे लिए तो दो क्लाइंट्स हैं, अप्रोच कैसे करना है मुझे उन्हें, मतलब किस किस मीडियम्स के थ्रू मुझे अप्रोच करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ, मेरे पास आपका नंबर है, नंबर है मेरे पास, आपका लिंक्डइन अकाउंट है, मेरे पास फेसबुक भी है आपका, तो मैं आपको अप्रोच कैसे करूंगी। मतलब मैं अगर आपको अप्रोच, जैसे आपको ऐप और वेब बनवाना है, ठीक है, मान के चलते हैं, पहले ये लेके चलते हैं जिसको ऐप और वेब, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट बनवाना है, तो मैं आपको कैसे अप्रोच करूंगी, मैं मैसेज क्या लेके दूंगी आपको, मुझे कुछ तो मैसेज टाइप करना पड़ेगा ना, जिससे आप लोग कन्विंस हो जाओ कि हाँ मुझे इसी कंपनी से ऐप बनवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी कि हाँ मुझे इस बंदे को ये मैसेज लिख के भेजना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसर्च, मेन रिसर्च है सेल्स में, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उसके लिए मैसेज टाइप करना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस बंदे को मैसेज करना है। आप अपने नॉर्मल लाइफ में लेके चलो, अगर आप किसी फ्रेंड के, अगर आप किसी को कन्विंस ही कर रहे हो, हम आपकी शॉप का लेके चलते हो, आपकी शॉप पे लेके चलते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, आपको कोल्ड ड्रिंक ही बेचनी है, तो आप कस्टमर को बोलने के लिए कुछ आपके पास स्क्रिप्ट होगा ना कि हमारी दुकान में ये कोल्ड ड्रिंक है, इसके लिए ये बेनिफिट्स हैं और हम आपके लिए ये करेंगे, ऐसा मतलब कुछ हटके आप बताओगे ना। कोल्ड ड्रिंक तो हर जगह मिलती है, तो आप अपनी कोल्ड ड्रिंक, तो अपनी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक है, उसमें क्या डिफरेंट बता रहे हो, तो वो क्या आता है, मेन चीज वो आती है अप्रोच में, कि आप दूसरों से हटके क्या उसमें लिख के दे रहे हो उसको। अगर आप उसको मैसेज लिख के दे रहे हो कन्विंस करने के लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के दे रहे हो, अगर आप लिंक्डइन पे उसको मैसेज लिख के दे रहे हो, फेसबुक पे, मेन हम फेसबुक पे मान के चलते हैं, अभी आपको फेसबुक पता है, तो अगर आप फेसबुक पे उसको मैसेज लिख के दे रहे हो क्लाइंट को, तो आप क्या मैसेज लिख रहे हो उसमें, सामने वाले को कन्विंस भी तो होना चाहिए ना कि आप क्या बोल रहे हो उसको, आपको चाहिए, मगर कन्विंस होने के लिए वो मैसेज टाइप बहुत जरूरी है। वो जो आप फर्स्ट मैसेज भेजोगे ना क्लाइंट को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको क्या लिख के भेज रहे हो, अपनी कंपनी के बारे में आप उसको क्या भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, अगर मैं अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करती हूँ, मैं मेरी फेसबुक और लिंक्डइन के थ्रू अगर मैं क्लाइंट्स को अप्रोच कर रही हूँ, तो मैं पहले वो कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ कि मुझे अपनी क्लाइंट को क्या मैसेज भेजना है, कि उनका वो कन्विंस हो उस चीज से, मतलब मुझे उससे कुछ हटके देना है, दूसरों से हटके मुझे कुछ उसमें लिख के देना है कि वो मुझसे कन्विंस हो जाए। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली उन लोगों की जिनको हमारी रिक्वायरमेंट है, जिनको एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है। जैसे आपको लेके चल रहे हैं कि आपको तो वेबसाइट और ऐप बनवाना है, तो मैं आपके लिए एक मैसेज प्रिपेयर करूंगी। आप कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैं उन लोगों को भी अप्रोच करती हूँ जिनको नहीं, जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पता है कि उनको बनवाना है कि नहीं बनवाना है, मगर मुझे उनको भी अप्रोच करना है। क्यों? क्योंकि शायद इन फ्यूचर अभी ऐप और वेबसाइट तो सबकी नीड है। आप देख रहे हो ना, हर बिजनेस की एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन हर बिजनेस की है, तो मुझे उनको भी लेके चलना है। जैसे आपके मैंने फ्रेंड एग्जांपल दिया था, आपका फ्रेंड जिसको एप्लीकेशन नहीं बनवाना है, जिसको मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट नहीं बनवाना है, तो मुझे उसके लिए भी तो कंटेंट तैयार करना पड़ेगा ना, कि मुझे उसको कैसे अप्रोच करना है, तो उसका कंटेंट मैं अलग से तैयार करूंगी कि मुझे उसको कैसे अप्रोच करना है, मुझे उसे कैसे ढूंढना है, मुझे उसके लिए क्या लिखना है कि वो कन्विंस हो जाए कि हाँ मुझे भी तो बनाना चाहिए ना यार, जब दूसरे बनवा रहे हैं, जब हर बिजनेस का एप्लीकेशन, हर बिजनेस का वेबसाइट है, तो मुझे भी तो ऐसा क्या है उसमें जो मेरे, मतलब मुझे भी अपने बिजनेस के लिए ट्राई करना चाहिए, सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो है इसमें, अगर दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवा रहे हैं तो मुझे भी तो बनवाना चाहिए, कुछ तो अलग है उसमें, तो ऐसा हमें कंटेंट तैयार करके देना है सामने वाले को कि वो हमसे कन्विंस हो जाए। कन्विंसिंग वो होना चाहिए, मैसेज में ऐसा कुछ होना चाहिए कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अप्रोच तक सबको क्लियर है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अप्रोच तक सबको क्लियर है क्या, प्रोस्पेक्ट, प्रिपरेशन और अप्रोच सबको क्लियर है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो आप सबको ये सब भी तीन पॉइंट्स आप सबको क्लियर हैं कि प्रोस्पेक्ट क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होता है, अब अप्रोच क्या होता है। अब अप्रोच तो हमने कर दिया, ठीक है, अप्रोच कर दिया, अब उसके बाद क्या है। ठीक है, अब अप्रोच हम कई बार अप्रोच करते हैं हम कॉलिंग के थ्रू, कई बार हम अप्रोच करते हैं मीटिंग्स के थ्रू। ठीक है, अब हम अगर हमारी डायरेक्ट गूगल मीट या किसी के भी थ्रू हमने उसको अप्रोच कर लिया, हमने चलो कॉलिंग के थ्रू, हम कॉलिंग का लेके चलते हैं कि हमने कॉलिंग के थ्रू एक क्लाइंट को अप्रोच कर लिया,
कि आपको ये बनाना है और हमारी कंपनी, हमने इसे कन्वेंस कर लिया कि हाँ हमारी कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है और हम आपके लिए ये चीज बनवा बना सकते हैं, हम आपके लिए एप्लीकेशन और वेबसाइट बनवा बना सकते हैं। जैसे मैंने किसी को भी कॉल किया और मैंने उन्हें कॉलिंग में पूछा कि हाँ मैंने आपकी रिक्वायरमेंट देखी थी, आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट बनवाना है, तो वो मुझे क्या बताएंगे कि हाँ मुझे बनवाना है, मुझे अमेजोन जैसा एक ऐप बनवाना है या अमेजोन जैसे वेबसाइट बनवानी है। तो आगे से मेरा आंसर क्या रहेगा, हाँ हम बना सकते हैं, और मैं उसके साथ उनको वो भी बताऊंगी पॉइंट्स कि हाँ अमेजोन की वेबसाइट में ये होता है और इसकी वेबसाइट में ये होता है, तो वो हम आपके लिए बना के देंगे। तो अगर वो कन्वेंस हो गया तो वो मुझसे आगे से क्या मांगेगा, अगर मैंने उसको अप्रोच कर दिया तो उसको अमेजन जैसा ऐप चाहिए, तो आप आगे से मुझसे क्या बोलोगे कि अगर मैम हमें अमेजन जैसा ऐप बनवाना है, आप हमें बताइए कि आप कैसे बना के दोगे, मतलब वो प्रोसेस क्या रहेगी, पूछोगे ना आप लोग मुझे, बातों में तो नहीं हो जाएगा कन्वेंस की चलो बातों में हो गया कन्वेंस, आप मुझसे पूछोगे ना कि आप अपना कोई प्रेजेंटेशन दीजिए, आप अपना कुछ ऐसा बताइए कि हाँ हमें देख के लगे कि हाँ हमारे लिए आप बना सकते हो, तो वो क्या रहेगा प्रेजेंटेशन। आपने अप्रोच कर दिया, आपने उसे बात बात कर ली क्लाइंट से, और क्लाइंट तो आप भी मुझसे नहीं बोलोगे कि मैम आपने तो हमें अप्रोच कर दिया, अब हमें बताइए कि आप कैसे बना के दोगे, हमें आप कुछ पिक्चर तो बताइए, आप हमें कुछ प्रेजेंटेशन तो बना के बताइए कि हमारे ऐप में हमारी एप्लीकेशन ऐसी होगी, हमारी एप्लीकेशन में ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे प्रेजेंटेशन बनाएंगे कि हाँ ऐप में ये चीजें होगी, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैं इसका तो हो गया, अब मैं अपना बताती हूँ कि हम आईटी में कैसे करते हैं। अगर मैंने किसी ऐप और वेब डेवलपमेंट के क्लाइंट को अप्रोच किया, क्लाइंट मतलब मेरा जो कस्टमर है, उसको अगर मैंने उसको बोला कि हाँ सर अगर आपको एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट आपको और आपको बनवानी है तो हम आपको बना के देंगे, तो क्लाइंट मुझसे बोलते हैं कि आप कुछ हमें ऐसा प्रेजेंटेशन बना के दीजिए कि आप कैसे हमें हमारा ऐप कैसे दिखेगा, हमारे ऐप में क्या क्या फीचर्स रहेंगे। आपने सब अमेजन वगैरह यूज किया होगा ना सबने, तो ऊपर सर्च बटन रहता है, हम सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो वो क्लाइंट को हर एक प्रोसेस से ही होती है कि हमारा ऐप कैसा दिखेगा, वो सर्च बटन जो रहेगा ना ऊपर, हम अमेजन यूज करते हैं जो ऊपर सर्च बटन रहता है, वहां से लेके हर प्रोडक्ट देखने तक के हर फीचर उसको चाहिए होता है। अमेजन सबने यूज किया है इसलिए मैं अमेजन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो अमेजन जैसा ऐप उसको बनवाना है तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसा देंगे हम बनवा के, जैसे हम लोग क्या बना के देते हैं प्रपोजल, वही प्रेजेंटेशन प्रपोजल सेम ही है, बस उसमें हम लोग मैं क्या मेंशन करती हूँ हर एक चीज से लेके, जैसे अमेजन हम ऐप खोलते हैं ना, आप सबने अमेजन यूज किया होगा ना, तो अमेजन हम ऐप खोलते हैं, ऐप खोल के तो ऊपर आता है सर्च बटन, तो हमें क्लाइंट को वो तक बताना है कि अगर हम सर्च कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे आपने कुछ भी मंगवाया तो आपने सर्च किया ऊपर और उसकी लिस्टिंग आ जाती है ना। अब अगर आपने कुछ कपड़े मंगवाए ऊपर आपने कपड़े शर्ट सर्च की या टी शर्ट सर्च की, तो उसकी लिस्टिंग आपके पास आ जाती है ना नीचे कि ये शर्ट्स हैं, ये प्राइस हैं, तो ठीक है हमें क्लाइंट को वो सब बना के बताना है कि आपका जो अमेजन ऐप है उसमें ये फीचर्स रहेंगे, आपको सर्च बटन मिलेगा, आप जब उस पर सर्च करोगे तो आपका वो पूरी लिस्टिंग आ जाएगी जितने भी आपको जो भी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो पूरा अमेजन ऐप आपको उसमें, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे वो प्रपोजल बनाते हैं। एक्सेल शीट सबको पता होगा ना क्या होता है, पता है सबको एक्सेल एक्सेल शीट क्या होता है, एक्सेल शीट पता है क्या होता है सबको? तो मैं पूरा आपको उसमें बना के बताऊंगी कि एक्सेल शीट में हम उसको पूरा बनाएंगे कि अमेजोन ऐप कैसे बनेगा, तभी तो क्लाइंट आपसे कन्वेंस हो जाएगा कि हाँ इनको तो आता है। तो वो क्या रहती है अप्रोच करने के बाद, मैंने एक बार क्लाइंट से बात कर ली कि हम आपके लिए बना के दे देंगे, तो उसके बाद क्या रहती है प्रेजेंटेशन, मुझे उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं कैसे बना के दूंगी आपको आपका ऐप, तभी वो हमसे आके कन्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 4 पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, एक है प्रोस्पेक्टिंग हमारा क्लाइंट पोटेंशियल क्लाइंट जो है, दूसरा है प्रिपरेशन, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें उसे क्लाइंट को क्या बोलना है, हमें कैसे अप्रोच करना है, थर्ड क्या रहेगा अप्रोच, हमें उसे क्या लिख के भेजना है कि वो हमसे कन्वेंस हो जाए कि हाँ भैया मुझे इनसे ही बनवाना है, तो वो क्या रहेगा अप्रोच, हमें मैसेज लिख कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा कि हमें मैसेज क्या भेजना है, ठीक है। अब अपने ही एग्जाम्पल, अब हाँ अप्रोच, अप्रोच के बाद है प्रेजेंटेशन, कि हमें प्रेजेंटेशन में क्या देना है। ये 4 पॉइंट सबको क्लियर है क्या? एक बार मुझे बता दो कि ये 4 पॉइंट है क्लियर कमेंट सेक्शन में, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक है। हाँ ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। देखो आपने प्रेजेंटेशन तो बना के दे दिया उनको कि हम आपको अमेजोन में ये फीचर्स देंगे, ये हम ये बना के देंगे, अमेजोन ऐप ऐसा है और आप ये सब देंगे बना के, ठीक है। और आगे मैंने मैसेज चेक को मैंने आपको आपने मुझसे बोला कि मैम मुझे आप बना के बताओ कि अमेजोन मेरा जो ऐप है वो मुझे दिखेगा कैसे, आप मुझे कुछ डेमो तो दो कि हाँ मेरा ऐप अगर आप बना के दे रहे हो तो वो मुझे कैसे दिखेगा अगर आप मुझे बोल रहे हो। तो मैंने आपको दे दिया, हाँ भैया ऐसा दिखेगा आपका ऐप, मैंने आपको एक्सेल शीट में या मैंने आपको प्रेजेंटेशन बना के दे दिया कि हाँ एक्स वाई जेड आपका जो भी वो है तो उसमें मैंने बता दिया कि हाँ आपका ऐप है तो ऐसा दिखेगा, ठीक। हमने मीटिंग की उसमें हमने बताया कि नहीं मैम जो आपने ये फीचर दिखा है ऐप का वो मुझे नहीं चाहिए। आप उस पे ऑब्जेक्शन थ्रो कर सकते हो, आपके जो डाउट हैं कि नहीं मुझे ये फीचर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और एड ऑन करना है, ठीक है। आप उस प्रेजेंटेशन में अपनी तरफ से भी ऐड करोगे, नहीं मुझे मेरे ऐप में ऐसा फीचर नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से बताओगे कि नहीं अमेजन में अगर ये फीचर है तो मुझे मेरे ऐप में दूसरा कोई फीचर चाहिए, तो हम एड ऑन कर सकते हैं क्या ये। ठीक है, दे कि अरे हेलो आपका ऐप जो है वो आई तो दिखेगा, तो आप मुझसे क्या करोगे, नहीं मैम मुझे ये सब चीजों में और कुछ चीजें ऐड करवानी है, मुझे अपने ऐप में ये सब भी करवाना है, तो मैं क्या करूंगी उसको हैंडल करूंगी उस चीज को कि मुझे कैसे करना करना है, मुझे कैसे उस चीज को सही करना है, ठीक है। मुझे उस प्रेजेंटेशन में ठीक है, तो क्लियर कर लेते हैं कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शन क्या है। मैंने आपको आपकी ऐप के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया कि आपका प्रेजेंटेशन ऐसे 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 दिखेगा, आपकी आपका जो ऐप है उसमें ये फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप मुझसे क्या बोलोगे कि नहीं मैम मुझे तो इसमें ये ऐड करवाना है, मुझे इसमें ये फीचर्स भी चाहिए। 2 मिनट रुकिए, मुझे आपको आवाज क्लियर है क्या मेरी? अब आ रही है वॉइस क्लियर है? क्लियर आ रही है आपको वॉइस? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस पे, ठीक है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा अगर मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया बना के कि हेलो आपका ऐप जो है ना ऐसे ऐसे दिखेगा, आप उसमें ये फीचर्स आपके रहेंगे, ये थिंग्स आपकी, अमेजन ऐप सबने यूज किया होगा तो उसको पता होगा कि क्या क्या फीचर्स रहते हैं, तो आपके उसमें ये फीचर्स रहेंगे। तो आप मुझे बोलेंगे नहीं मैम मुझे ये फीचर्स नहीं चाहिए, मुझे एक अलग से कोई फीचर चाहिए, मुझे ये एड ऑन करवाना है, तो वो चीज मैं क्या करूंगी, एड ऑन करूंगी प्रेजेंटेशन में वो चीज मैं एड ऑन करूंगी। आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे, जो भी आपको रहेगा कि नहीं मुझे ये चेंज करवाना है अपने ऐप में, तो वो क्या होगा हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। मैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्या करूंगी उस चीज को हैंडल करूंगी कि हाँ मुझे अपने प्रेजेंटेशन में ये चीजें चेंज करनी है, ठीक है। आपको समझ में हो गया होगा कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस क्या है, क्लियर है आप सबको? कि मैं और क्लियर करूं, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्लियर है क्या।
ठीक है ठीक है। तो सबसे लास्ट सेल्स का सबसे लास्ट वो है क्लोजिंग और फॉलो अप। सबसे पहले हम लेंगे क्लोजिंग। मैंने आपको प्रेजेंटेशन बना के दे दिया, आपने मुझे बोला कि मैम मुझे नहीं, मुझे मेरे मोबाइल एप्लीकेशन जो है मुझे इसमें ये वो चाहिए, मतलब मुझे ये चीजें चाहिए मेरे ऐप में, कि मेरे ऐप में सर्च बटन हो, ऊपर जो सर्च करते हैं वो बटन हो, मेरे ऐप में मैं देख पाऊं कि मेरे जो है कार्ट में कौन कौन से ऑप्शंस है, मैं क्या क्या चीजें खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने वो सब भी ऐड कर दिया, आपके जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है, अब ये हो गया, प्रेजेंटेशन तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? क्लोजिंग। आपने मुझे बोला कि हाँ मैम मैं ओके हूँ, मुझे आपके प्रपोजल में सब कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, हमारी डील क्या हो जाएगी? क्लोज। मैं आपको कुछ टर्म्स एंड अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताऊंगी कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, ये हमारी कॉस्टिंग रहेगी, ये हमारा टाइम रहेगा कि जिसमें हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, और आप कहोगे हाँ मैम मैं उस चीज में ओके हूँ, और प्रोजेक्ट हमारा उस जगह पे हो जाता है क्लोज। ठीक है, अब क्लोज होने के बाद ये नहीं है ना कि प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, मैंने आपको बना के दे दिया और हो गया। ठीक है, क्लोज होने के बाद क्या रहता है? फॉलो अप। जैसे मैंने आपको आपका ऐप बना के दिया, अब मैं उसको टेस्ट भी तो करूंगी ना, मैं आपसे फॉलो अप भी तो लूंगी ना कि आपको वो ऐप अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, उसमें क्या क्या डाउट्स हैं आपको, मतलब क्या क्या चीजें नहीं वर्क कर रही हैं। तो क्लोजिंग के बाद ये नहीं है कि क्लोजिंग के बाद आपका काम हो गया, आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, नहीं। क्लोज डील हो गई, वर्क स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन और वेब का वर्क, मोबाइल एप्लीकेशन का वर्क स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, आईटी टीम की तरफ से एक रहेगा टेस्टर, जो आपका वो ऐप क्या करेगा, टेस्ट, आप भी रहेंगे उसमें और वो आईटी टीम का एक वो बंदा भी रहेगा, जो आपको पूरा टेस्ट करके बताएगा कि नहीं मैम आपके इसमें ये अभी एरर्स हैं, ये सर्च बटन काम नहीं कर रहा है। वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, मगर अभी हम नॉर्मल लेके चलते हैं कि क्लोजिंग के बाद भी प्रोजेक्ट क्लोज नहीं होता है। ठीक है, अब ठीक है, क्लोजिंग भी हो गया, अब आपका मैंने प्रोजेक्ट आपको दे भी दिया, पूरा मैंने बना के दे दिया आपको आपका प्रोजेक्ट, और पूरा सही है वो प्रोजेक्ट। ठीक है, अब फॉलो अप, फॉलो अप भी तो लेना बाकी है ना, कि आपका वो प्रोजेक्ट सही है कि नहीं है। चलो इस प्रोजेक्ट का हम छोड़ देते हैं, आगे इन केस अगर आपको दोबारा कुछ बनाना होगा तो मैं आपको दोबारा पूछ सकती हूँ ना कि मैम आपको कुछ दोबारा बनवाना है क्या, आपको कोई और एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना है क्या, वो क्या रहता है? फॉलो अप। ठीक है, उस बंदे से दोबारा उस चीज के बारे में पूछना कि मैम आपको कुछ और बनवाना है क्या, आपको कुछ और सर्विसेज या गुड्स आपको चाहिए हैं क्या। ठीक है, अगर हम आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपने उस बंदे को एक बार कोल्ड ड्रिंक दे दिया, वो आपके वहां से कोल्ड ड्रिंक ले गया। ठीक है, अगर वो दोबारा कभी आपके शॉप पे आया तो आप उससे पूछोगे ना कि भैया आपको और कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉक चाहिए क्या, आप इंटरेस्टेड हो क्या, वो क्या रहता है? फॉलो अप। उस बंदे से हमें दोबारा पूछना कि आपको फिर से बनवाना है क्या, मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना है क्या, वेबसाइट बनवाना है क्या। आप मेरे कस्टमर तो बन गए, मगर मुझे आपके साथ टच में रहना पड़ेगा ना कि आपको वो चीज बनवानी है, दोबारा बनवानी है क्या, या आपका क्या पता आपको कोई फ्रेंड हो जिसको बनवानी हो, तो आप बोलोगे ना कि हाँ फ्रिगर से एक कंपनी है जिससे मैंने बनवाया था, आप भी उससे बनवा सकते हो। वो आपको कैसे दिमाग पर रहेगा अगर मैं रेगुलर आपके टच में रहूंगी, अगर आपसे मैं पूछती रहूंगी कि हाँ अगर आपको बनवाना है क्या, आपका कोई फ्रेंड है क्या, अगर मैं आपसे रेगुलर टच में रहूंगी तो आपको भी लगा रहेगा कि हाँ एक फ्रिगर कंपनी है उससे मैंने बनवाया था प्रोडक्ट, मतलब मैंने अपना मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया था, तो मैं अपने फ्रेंड को भी बता सकता हूँ, तो उससे क्या होगा, फ्रिगर्स को एक और कस्टमर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सबको ये पॉइंट क्लियर है क्या सब? आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो हम वो करते हैं फिर, आपके कमेंट्स वगैरह देख लेते हैं। हैंडलिंग ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन, ठीक है ओके। हैंडलिंग ऑब्जेक्ट, अब मैं आपको एक और बता देती हूँ हैंडलिंग ऑब्जेक्ट क्या है। देखो जैसे मैंने आपको आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना था ना, मैंने आपको प्रेजेंटेशन बना के दे दिया, मैंने आपको बता दिया कि देखो ये आपके ऐप में ये सब फीचर्स रहेंगे, आपका ऐप ऐसा दिखेगा, अमेजन जैसा ऐप बनवाना है आपको, तो मैं बोलूंगी कि हाँ ये ऐसा है प्रेजेंटेशन और आपको ऐसा ऐप आपका दिखेगा। आप बोलोगे नहीं मैम मुझे तो इसमें डाउट है, मुझे ऐप में ये फीचर्स और ऐड करवाने हैं, मुझे ऐसा ऐप बनवाना है मगर उसमें मुझे और फीचर्स, मतलब मुझे और चीजें चाहिए ऐड ऑन, मुझे अमेजोन से भी और एडिशनल चीजें ऐड करवानी है उसमें, मतलब उसके उसमें आपके डाउट्स ऑब्जेक्शंस रहेंगे कि नहीं मैम मुझे ये भी ऐड करवाना है, तो वो होगा हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। मैं उस चीज को हैंडल कर रही हूँ कि हाँ मेरे कस्टमर को, मेरे क्लाइंट जो है, जो आप हो मेरे लिए मेरा क्लाइंट, उसको मेरे क्लाइंट को ये सब चीजें भी चाहिए,
तो मैं वो चीज देखूंगी कि हाँ मैं उसमें वो चीज ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, आप सबको क्लियर होगा ये तो? ठीक है, आप सबको क्लियर है ना सब जितने भी पॉइंट्स हैं? ठीक है, आप सबको सब कुछ क्लियर तो होगा। अगर आपके उसमें कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया है मैम, मुझे ये सब मुझे फिर से क्लियर करना है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे और फिर से हम वो चीज क्लियर कर लेंगे। आप अपने डाउट्स एक कॉपी में नोट डाउन करके रखना और अपने अपने नोट्स सब बना के रखना, क्योंकि एट द एंड जब आपका टेस्ट वगैरह होगा तो आपको नोट्स काम आएंगे आप लोगों के। तो आप नोट्स वगैरह बना के रखना और आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे वो पूछ सकते हो कि नहीं मैम मुझे ये चीज नहीं समझ में आया था, तो मैं आपको फिर से पूरा क्लियर आपको समझाऊंगी। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।